जब दूल्हे ने देखा दुल्हन का चेहरा तो मंडप से भागकर सीधा पहुंचा थाने, सुनाया अपना दुखड़ा, जानिए पूरा मामला। एक मामला उत्तर प्रदेश के इटावा जिले से आया है, जहां पर जब दूल्हे ने अपनी दुल्हन का चेहरा देखा तो वो सीधा ही मंडप से भागकर थाने पहुंच गया और थाने में पहुंचकर अपना दुखड़ा सुनाया। तो चलिए जानते हैं आखिर ये पूरा मामला क्या है। वीडियो शुरू करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, ताकि वो सभी भी इस घटना से रूबरू हो सके। ऐसा बताया जा रहा है कि इस शादी का रिश्ता शत्रुघ्न ने दो दलालों के जरिए किया था। इसके लिए उसने उनको 35,000 रुपए भी दिए थे। इन दलालों ने शत्रुघ्न को 20 साल की एक खूबसूरत लड़की की फोटो दिखाई थी। जब शत्रुघ्न ने लड़की की फोटो देखी तो वो लड़की उसे पसंद आ गई और लड़की के हाथ में उसने शगुन भी दिया था। थाने में दूल्हे ने पुलिस को अपना दुखड़ा सुनाते हुए ये बताया कि हमें 20 साल की लड़की की तस्वीर दिखाकर शादी तय की गई थी, परंतु शादी वाले दिन 45 साल की महिला को लाकर खड़ा कर दिया गया। जब हमने इसका विरोध किया और शादी करने से मना किया तो हमारे साथ मारपीट की गई। इतना ही नहीं बल्कि शादी न करने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई। दूल्हे ने बताया कि जैसे तैसे वो अपनी जान बचाकर वहां से भागे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि आरोपी फरार है और जल्द से जल्द उन्हें गिरफ्तार कर लिए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। आपकी क्या राय है इस घटना के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।